अच्छा, हाँ, अच्छा आप डिटेल शेयर कर दीजिए, हम आपको बता देते हैं, ठीक है, देख कर पूछ कर बता हाँ देते हैं, समझ कि गए। अगर हो जाए। हाँ क्योंकि बाकी देखो 2450 करने की कोई इश्यू नहीं है, हाँ क्योंकि हाँ हाँ ये है कि वहां से चीज पहले हटा जाए ना तो बंदा 2450 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक ये वहां से सेटिस्फेक्शन तो हो जाए, क्योंकि ना अगर मान लो हम आपको पेमेंट करना नहीं चीज हट पाई, बाई चांस ये रहा थोड़ा, तो वो सही रहेगा बात फिर है। वहां भी पेमेंट करनी पड़ जाएगी, फिर यहाँ भी हो जाएगी, है कि नहीं सर? समझ लोगे आप? अच्छा तो डिटेल आप भेज दीजिए, ठीक है, हम आपका जो भी है चेक करवा लेते हैं, समझ गए। एक बार चेक करवा लीजिए, आपकी डाटा है नहीं है, नंबर तो ये वाला ही होगा, मेरा वाला ही दे रखा है उसने शायद से, नंबर यही है। हाँ रजिस्टर नंबर यही है। यही होगा नंबर, इस पर नंबर। हाँ अच्छा, रिपेमेंट नहीं ना किए हैं पहले? अच्छा रीपेमेंट पहले हो रखी है, एक बार करी है उसने या दो बार करी, मुझे लग रहा है अच्छा अच्छा एक दो बार कर चुका है वो, रिपेमेंट ऐसा उससे है नहीं किया दिक्कत कोई? जाता है, समझ गया ना। नहीं उसने सर कर दी ना एक दो बार, दिक्कत तो ये हो गई। रिपेमेंट करने के बाद भी ये लोग आपको कॉल मैसेज कर कर परेशान करेंगे, समझ गए। तो किसने एक दो बार रिपेमेंट कर दी अच्छा ठीक है है, कि हम उसको? आज दिखवा लेते हैं, डिटेल आप सब चीज़ भेज दीजिए, समझ गए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ एक बार डिटेल दिखवा दीजिए। ऐसी डिटेल उसके एक आप, फ्रेंड ने, हाँ ऐसे उसके एक फ्रेंड ने, आपने सुना होगा रेबा लोन करके कोई ऐप है, कौन सा? रेबा, रेबा लोन ऐसा कुछ करके, सुना है आपने? अच्छा बोलिए। और रेबा लोन भी ऐसा कर कुछ है, उसने वहाँ पेमेंट कर करा दी थी, वो तो बेचारा 30-40 हज़ार रुपये से बैठ गया। 30-40 हज़ार पेमेंट कर दिया था। हाँ मतलब उन्होंने उसको दिए 25 हज़ार रुपये या पता नहीं 28 हज़ार हाँ समथिंग। तो ऐसा ही करता ही है फ्रॉड एप्लीकेशन, 2 हज़ार देगा 4 हज़ार हाँ लेगा आपसे, समझ गए हैं हाँ वही वही, क्योंकि ये लोग का यही चाल ही है। एक नंबर से पता चल जाता है ना, नंबर ये बाहर से कॉल कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान से चल रहा है, कभी गुड़गांव से आ रहा है, कभी दिल्ली से आ रहा है, तो नंबर तो इनके डायलर पे चल रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार सर आप डाटा चेक करवा लीजिए है नहीं है, एक हम बार ना चेक अगर करवा कोई मिस लेते हो हैं, जाए। हम चेक करवा लेते हाँ हैं, मैं डिटेल भेज भेज देता हूँ आपको दीजिए, डिटेल, ठीक है आधार ठीक है। नंबर और क्या भेजना है? पैन नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर, ठीक ठीक है पैन नंबर और है रजिस्टर मोबाइल नंबर। ठीक है ठीक, ओके ठीक। हाँ भाई बोलिए, बताइए। हेलो हाँ हाँ बोलिए बताइए, आवाज़ आ रही है। सर, वो अभी नया लोन नहीं है जो तुमने वीडियो रखा था 4 दिन पहले का, कौन सा एप्लीकेशन? वो INR करके कुछ है, अच्छा INR, उसका हाँ हाँ पेमेंट, वो ऐप हाँ स्टोर पर पेमेंट है। मांग रहे, तो क्या हाँ करूँ, पेमेंट कर ना ना, दूँ? रिपेमेंट आपको हाँ नहीं करना, वो फ्रॉड एप्लीकेशन है, रिपेमेंट कीजिएगा तब पर भी आपको हरासमेंट ब्लैकमेलिंग करेगा। अच्छा ऐसा है, बाकी मैं सोच रहा हूँ पेमेंट करने का, मेरे को कुछ प्रॉब्लम आए सर। रिपेमेंट कीजिएगा तब पर भी आपसे पैसा मांगेगा, समझ गए, फ्रॉड एप्लीकेशन है वो। फ्रॉड है तो अब इलाज क्या है उसका? इलाज वही है कि हम लोग डेटा रिमूव कराते हैं, वीडियो मेरा देखे होंगे तो, समझ गए हैं। हाँ तो कैसे होगा डेटा रिमूव? उसके लिए आपको पैन कार्ड एंड रजिस्टर मोबाइल नंबर मेरे पर भेज दीजिए, चार्जेज 2450 रुपया है, कितना? 2450 रुपया, 2450। अरे फिर बहुत हो जाएगा इतना तो, पर तो जो भी है भाई आपको हम बता दीजिए अपना कंडीशन। फिर ट्रस्ट का भी थोड़ा मसला है ना, हाँ, देख लीजिए आप, ठीक है। क्यों नहीं मतलब वो खाली डाटा रिमूव हो जाए तो। हाँ कॉन्टेक्ट लिस्ट सारा चीज़ वही चीज़, डेटा का मतलब सब वही है, सब कॉन्टेक्ट लिस्ट उनके पास चला जाता है वो फोन नहीं करेगा फिर? ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं मैं बड़ी मुश्किल से फिर पैसे इंतजाम करके मसला हाँ, हुआ है, बताइएगा आप, ठीक है। और फंस जाऊंगा मैं इसलिए। नहीं बताइएगा आप, तो अभी वो क्या करना है वो, उसको रिपेमेंट का? रिपेमेंट कीजिएगा तो दोबारा आपको कॉल कर कर दोबारा पैसा मांगेगा आपको, हम बोल दिए। तो कांटेक्ट तक नहीं पहुंचेगा? कॉन्टेक्ट रिपेमेंट कीजिएगा तो कॉन्टेक्ट लिस्ट फिर उठाकर आपसे पैसा मांगेगा, वही है कि रिमूव हो जाएगा तो कॉन्टेक्ट तक नहीं पहुँचेगा। मतलब अभी भी मतलब मेरे पास से लेके कांटेक्ट तक तो नहीं पहुंचेगा वो, क्या चीज़? मेरे जो कांटेक्ट नंबर है मोबाइल से वहां तक वो अनइंस्टॉल, नहीं पहुंचे? मोबाइल से अभी अनइंस्टॉल कर दिया एप्लीकेशन को, मोबाइल में है। हाँ मोबाइल इंस्टॉल कर दी मैंने 2 दिन पहले, पर हाँ तो अनइंस्टॉल कर मैंने, दिए हैं, तो अभी जो नया कॉन्टेक्ट लिस्ट सेव कीजिएगा तो उसके पास नहीं जाएगा। मैंने क्या करा, पूरा फोन रिसेट मार दिया, फिर वापस से जीमेल में जा, पहले जीमेल में जाके सारा डिलीट कर दिया नंबर वंबर कुछ,
और उसके बाद मैंने रिसेट मार के फिर लॉगिन किया ना, फिर उसको एक्सेस मतलब वो करा, और फिर भी उसने मैसेज जो किया वो सादे नंबर आ रहे, तब करना क्या था? वही जो पेमेंट भी पे तुम है, वो वही है जो भी हम लोग कराते हैं, बाकी यही सब तो हम लोग कराते हैं रिमूवल का, इसी इसी ईयर से। तो फिर फोन नहीं आएगा उनके, ना तो ना फिर कॉल नहीं आएगा आपको। आपने वीडियो डाली इस पे कुछ? हम वीडियो डाले हैं भाई, हम वीडियो डालते रहते हैं डेटा रूम का, मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर देखिएगा तो चार्जेस भी मेंशन है सारा चीज़। अच्छा सर, अपन अभी अभी तो यूं कॉन्टेक्ट लिस्ट को छेड़ेंगे नहीं ना। अभी तो हमको तो नहीं लगता है। ड्यू डेट कब है आपका? मेरा आज ही है, आज है तो कल से स्टार्ट कर देगा सब आपको धमकी देना। तो मैं जवाब ही नहीं दे रहा, बहुत कम जवाब दे रहा हूँ। हाँ तो कल से वही कॉन्टेक्ट लिस्ट का धमकी देना स्टार्ट कर देगा सब, कॉन्टेक्ट लिस्ट से भेज देंगे, परसों से ज़्यादा करने लगेगा सब। पर मैं जवाब नहीं दूंगा तो जवाब दीजिए चाहे ना दीजिए, वो लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट पर, उनके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट है तो ज़रूर मैसेज करेगा इन सब कॉन्टेक्ट पर। आप वो उड़ा दोगे फिर नहीं होगा। उड़ा देंगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, मैं वीडियो देख लेता हूँ पहले। ठीक है ठीक है, ओके ठीक। चलिए दोस्तों बात विचार हो गया, वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, यदि कोई भी आधा अधूरा वीडियो देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं कॉल लगा कर, फ्रॉड एप्लीकेशन से बचिए भाई आप लोग, ठीक है? कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन है आपको रिपेमेंट। हेलो। हाँ बोलिए बताइए। हाँ हाँ जी सर, वो मैंने डिटेल्स ना आपको डाल दी अभी। हाँ देख लिए आपका डिटेल, चेक करवा हाँ लेते देख हैं, लिया सर। ठीक हाँ है। एक बार चेक करवा लीजिए। और मैं ये पूछ रहा था कि जो है ये मतलब आप जो चेक करवाएंगे इसमें कोई ओटीपी वगैरह भी आता है? वैसे पता ना चल ना जाता ओटीपी नहीं आता है, ओटीपी नहीं है शेयर किया ना जाता है वही किसके मतलब। पास, ना ओटीपी शेयर किया जाता है, ना ही आप किसी गलत लिंक पर क्लिक किया जाता है, अननोन लिंक पर। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आप मुझे बता दीजिए एक बार ऐसा कुछ है डाटा वगैरह तो फिर ठीक है ठीक पता है, एक चल जाए, ओके फिर मैं बताया तो आपका। ठीक है ठीक है ओके ठीक। सर। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात विचार हो गया, कंप्लीट देखिए वीडियो को, ठीक है? आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। चलिए कॉल लगाते हैं भाई। आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए भाई कॉल नहीं लग रहा है, अब यहाँ पर देखते हैं। पे रुपिक से बस टाइम चाहिए भाई, पे रुपिक NBFC एप्लीकेशन है, यदि आप नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो आपका सिविल उबिल ये सब सारा चीज़ डाउन करेगा भाई, और घर पर आने का भी ये लोग ये करते हैं। सबसे ज़्यादा रिंग एप्लीकेशन हो गया, चाहे किस्त एप्लीकेशन हो गया, एम पॉकेट हो गया, ये बहुत जल्दी है मतलब कि घर पर आ जाते हैं, समझ गया ना? ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट का है ना भी एप्लीकेशन, चाहे ट्रू बैलेंस तो डर रहता है, समझ गए हैं? बाकी कम अमाउंट है तो दिक्कत नहीं रहता है। मैं एम पॉकेट से ले रिपेमेंट लेट कर पाऊँगा, एम पॉकेट भाई NBFC एप्लीकेशन है, समझ गया? नहीं दीजिएगा तो फिर वही वाला हाल होगा, क्रेडिट गो तो भाई फ्रॉड एप्लीकेशन है। चलिए कॉल लगाते हैं, कंप्लीट देखा कीजिए वीडियो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। एम पॉकेट से एम पॉकेट का लोन नहीं दीजिएगा तो भाई वो फिर तो ये करेगा है।
एक बार कॉल करोगे? चलिए कॉल लगाते हैं भाई। हाँ भाई बोलिए, हेलो। बताइए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, बोल रहा था कि वो फ्लिपकार्ट पहले तरफ से जो मोबाइल लिया हूँ मैं। हेलो। हाँ, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। मतलब वो पेमेंट नहीं करेंगे तो मोबाइल बंद नहीं कर देगा ना ना? ना, मोबाइल कहाँ से बंद होगा, ये कुछ ऐसा नहीं होता है। कौन बोला है नहीं होता है बंद? सच में नहीं बंद होता है? ना, बंद कैसे हो जाएगा, वो तो फाइनेंस हुआ ना, वो तो कंपनी के पास पैसा गया, मोबाइल कौन बंद करेगा, नहीं होता है ऐसा कुछ। मतलब हम पेमेंट नहीं किया तो ना मोबाइल ना, बंद हो मोबाइल गया नहीं बंद होगा, सबका? सीवी लोबिल आपका डाउन होगा, कॉल मैसेज करेगा, यही सब करेगा सब, मोबाइल नहीं बंद होता है। हाँ, मैं ये पूछने के लिए उस दिन कॉल किया था, भूल गया था अच्छा, पूछने। ना ना, मोबाइल नहीं बंद होगा। ठीक है तब ठीक है, भाई। ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, मोबाइल बंद होगा कि नहीं। हाँ बोलिए, बताइए। हेलो। हाँ बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ नमस्ते भैया। कह नमस्ते नमस्ते, बोलिए। रहे थे भैया कि ये एक पर्सनल लोन था मोबीक्विक से, मेरी वाइफ के नाम से था, और अभी पिछले साल हमारी शादी हुई और थोड़ा इधर उधर बिजनेस का भी इशू हो गया, और गांव में मतलब घर के लोग थे वो केस वेस में मुझे फंसाने लगे। अब उलझन में मैंने शॉप वॉप भी उधर का बंद कर दिया, और अभी बहुत तंगी आ रही है भैया। अभी मेरा कोई ड्यू तो नहीं हुआ है, एक ड्यू हुआ था तो 15 दिन लेट हुआ था, तो इतना फोन रिलेटिव में, अब नई शादी हुई है और भैया उसमें ससुराल में फोन चला जा रहा है, इधर उधर बहुत तंगी हो रही है भैया, एकदम हरासमेंट रह रहा है, इसका क्या किया तो जाए भैया? कॉन्टेक्ट रेफरेंस में नंबर दिए थे, रेफरेंस नंबर पर कॉल करा है, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर। लिस्ट पे कर रहा है ना भैया, रेफरेंस पे कौन नहीं कर रहा है, कौन रिफरेंस कौन पे सा एप्लीकेशन है? मूवी क्विक का है भैया। यही है क्या, और भी कोई एप्लीकेशन है? नहीं, मूवी क्विक का है और उसका है DMI फाइनेंस का है, तो उनका तो अच्छा, नहीं ज्यादा इशू है। मोबी क्विक ज़्यादा कर रहा है, यही ना। हाँ भैया, DMI और ये तो मनी वीप का है, तो वो तो मेरी 2-4 EMI बची है, वो तो मैं पे करते आया हूँ, तो उनका तो इतना किसी पे कॉल वॉल नहीं जाता है भैया, और DMI का भी नहीं जाता है, तो कितना का क्या लोन बचे है हुए हैं कोई मोबीक्विक तो से, कितना का लोन है? 1.5 लाख का था भैया, 1.5 लाख का है अभी? कितना हाँ मतलब सर, बकाया है इसका, पूरा बकाया बता है? रहा हूँ। नहीं सर, मैंने इसमें 4 किस्त भर दी है, टोटल मैंने 12 किस्त ली थी भैया, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं चल रही थी, तो मैंने मैंने EMI जो है वो 14,622 रुपये की बनवा दी थी, तो मैंने 4 पे कर ली, उसके बाद दिक्कतें आ गई भैया। सबसे बड़ी बात है भैया, मेरे नाम, मैं लड़का, मेरे नाम पे होता तो मैं झेल लेता, कहीं फोन जाता कुछ, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि वाइफ की बात है, और मुझे इसी चीज की टेंशन है कि इधर उधर फोन करने लगे, क्या पता न्यूडिटी वगैरह ना कटने लगे व्हाट्सएप पे। ये भी करते हैं क्या ये मूवी क्यू वाले? हाँ, ये जो भी NBFC एप्लीकेशन है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करता है, फ्रॉड जैसे, फ्रॉड कैसे एप्लीकेशन होते हैं वैसे ही, मतलब कि ये भी अपना काम मतलब कि अपनाते हैं भाई, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करना, धमकी देना, ये सब भेजना, समझ गए हैं बाकी वीडियो भी भेज देते हैं क्या ये? ये लोग करता है। तो भैया इसका क्या होगा, डाटा डिलीट हो हो पाएगा जाएगा, क्या? हो जाएगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट का काम हम लोग करवा देंगे, ठीक है। तो आप अच्छा, मतलब लोन आईडी सियोरिटी है के साथ में आपके? मैं, हाँ, लोन सीओटी के साथ हो जाएगा, लोन आईडी है आपके पास? आईडी है भैया, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर तो किया था भैया। अच्छा, ठीक है, अभी भेज दीजिए आप, लोन आईडी भेज दीजिए, और आप, जी, फिर हाँ ये सब भेज दीजिए, समझ गए हैं। आप देख लीजिए भैया, जैसे क्या होता है क्या लगेगा चार्ज, फिर मैं वो देता हूँ, बस भैया प्लीज इतनी रिक्वेस्ट थी कि हो जाए काम हो ये। जाएगा काम आपका, हो जाएगा, वो लोन आईडी भेज सर दीजिए, उसके बाद फिर और कॉल नहीं आधार करेंगे, हो कार्ड, सकता पैन है फिर कार्ड, रजिस्टर, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ लगेगा, भेज दीजिए, ठीक है। उसके बाद कॉल नहीं कर पाएंगे ना वो ना ना, भैया, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल नहीं कर पाएगा, लेकिन मेन नंबर पर कॉल आएगा, आपके नंबर पर आएगा। वो आने दीजिए भैया, वो मैं झेल लूंगा। लेकिन कॉन्टेक्ट लिस्ट पर नहीं जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है भैया, तो मैं भेजता हूँ भैया आपको सारी चीज, ठीक है, भेज दीजिए मेरे पास आप डिटेल। लेकिन आपसे बात ही नहीं हो पाती है ना जल्दी भैया, नहीं तो मैसेज करता हूँ आप, फिर नहीं रिप्लाई तो आप कीजिएगा तो बात होगा आपसे, ठीक है, जरूर प्लीज भैया। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक। ये वीडियो को भैया क्या करूंगा, ये वॉइस कॉल की कॉल पे है? कब कॉल पर भी कीजिए, व्हाट्सएप पर भी कीजिए, बात हो जाएगा। ठीक है भैया, 1-2 बार मैं कॉल करूंगा, आप नहीं उठा पाते तो जब भी देखिएगा तो कॉल जरूर करिएगा भैया। हाँ, लेकिन व्हाट्सएप पर कीजिएगा तो ज़रूर इधर से रिप्लाई जाएगा।
हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। भैया हाँ ये हाँ मनी वीव का और आईडीएमआई का तो नहीं ज़्यादा इशू होता है ना? ना ना, ये सब का इशू सबसे ज़्यादा मोबीक्विक है, समझ गए। ये तो इस पर तो हम भाई इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम डाले हैं, तो खुलेआम बोल रहा था कि कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल जाएगा नहीं पैसा देने पर। कितना सारा वीडियो भी है इसका मेरे चैनल पर, देखिएगा। हाँ भैया, तो तो भैया मनी व्यू अगर का आप नहीं पैसा देखे जाएगा होंगे, तो फिर मनी व्यू का नहीं देखे होंगे ना, ट्रू बैलेंस का ना नबी का। सबसे ज़्यादा मोबीक्विक हो गया भाई, एम पॉकेट, रिंग, यही सब बहुत ज़्यादा परेशान किया है सब। डीएमआई का ना ना, दिक्कत नहीं है DMI का उतना। भैया बस यही मूवी क्विक का बस हट लगवा मोबीक्विक, दीजिए, हट हाँ जाएगा ना मोबीक्विक भैया? हट जाएगा, हो जाएगा काम। ठीक है भैया। ठीक है ठीक है। रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग नहीं करके रखे हैं? भैया रिकॉर्डिंग तो नहीं किया है मैंने, क्योंकि वो कॉल ही मेरे सास पे और मेरे पापा पे किया था। उसके बाद वो क्या था कि मोबाइल बंद कर दिया था मैंने 5 दिन के लिए, क्योंकि अब एक ही मंथ में 10 8 दिन ही लेट हुए थे, और तभी से इन्होंने हरकत शुरू कर दी। एक महीना ड्यू जाता तब तो समझ में आता, एक ही महीने के स्टार्टिंग में इन्होंने ऐसा कर दिया भैया जी। ना, हो जाएगा काम। ठीक है, तो भेज दीजिए मेरे पास डिटेल, ठीक है ना। ठीक है भाई, जो करना हो वो बताइएगा कि ऐप कैसे डिलीट करना। मैंने उसको सारा कुछ उसको ऐप इन्फॉर्मेशन में जाके क्लियर तो कर दिया है, लेकिन अब अनइंस्टॉल कर देंगे जिस दिन आप वो काम कर देते हैं भैया। तो भैया लेकिन क्या पता वो कहीं से कॉपी पेस्ट करके रख लिया ना ना, हो। वो नंबर को एडिट किया जाता है, समझ गए। वो फ्रॉड एप्लीकेशन जैसा वो चीज़ नहीं होता है, वो हैकिंग का। इसमें अच्छा कंपनी के द्वारा नंबर को रिप्लेस किया जाता है, समझ गए, वहाँ से। अच्छा नंबर को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। पूरा आप लोग कंप्लीट देखा कीजिए, समझ गए। वीडियो कंप्लीट, चैनल को, यस, ओके। कंप्लीट गोल्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फ्रॉड एप्लीकेशन से आप लोग बच कर रहिए, जितना भी हो सके फ्रॉड एप्लीकेशन से बचिए, और रिपेमेंट करने से बचिए भाई, समझ गए ना। रिपेमेंट आप कीजिएगा तो आपको हरासमेंट करेगा ही करेगा। हाँ भाई बोलिए, बताइए। जी भैया, यार ये क्रेडिट गो एक एप्लीकेशन है। ये फ्रॉड एप्लीकेशन है। हाँ यार कैसे करके पता नहीं, मेरा ये इतना दिमाग खराब कर रही है मेरा। इसके बाद लॉग बुक वगैरह सब मेरा है ना, ये धमकी दे रही है। ये पाकिस्तान का 100% है कि इनका लैंग्वेज पाकिस्तानी हाँ, 92 है नंबर ना। से सब कॉल आता है। ये सर बोलने का तरीका, आप कहाँ से हो भैया? अच्छा हम बिहार से हैं भाई। मैं नेपाल से हूँ, अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई करने आ रखा हूँ। नेपाल में भी एप्लीकेशन चल रही है? तो नेपाल में नहीं, मैं अभी इंडिया में ही हूँ। अच्छा, हम सोचे कि भाई ये तो आउट ऑफ कंट्री भी फंसाना स्टार्ट कर दिया सब। ये तो इसका क्या हो सकता है भैया, ये प्राइवेसी कैसे रोकूँ मैं? वही है कि हम लोग डेटा रिमूव करवाते हैं, समझ गए ना, फ्रॉड एप्लीकेशन से। तो अभी ये प्रोसेस होता है, आपका डिटेल चाहिए हमको, पैन कार्ड हो गया एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो गया। चार्जेज 2450 रुपये लगता है रिमूव करने का, तो तुरंत हो जाता है रिमूव? 1.5 घंटे का प्रोसेस होता है, 1 घंटा 30 मिनट का। 1 घंटा समय लगता है, लेकिन 30 मिनट और ज़्यादा हम लेते हैं टाइम। कोई बात नहीं, कर दो भैया यार, ले लो मेरा जो जो चाहिए। तो भेज दीजिए मेरे पास पैन कार्ड एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। उसका वो जो रिमूव होगा उसका आप भेजोगे हाँ स्क्रीनशॉट हाँ भी? आपको मिल इतना जाएगा, डर ही लग रहा है मिल यार जाएगा मेरा तो आपको। क्या। हाँ मिल जाएगा, और वो अभी कॉल पे कॉल कर रही है कि आपका लीक कर दूंगी, मैसेज कर ट्रू दूंगी, कॉल वो कर इंस्टॉल कर सकती है ना लीजिए, आप? ट्रू कॉल इंस्टॉल कर लीजिए, ब्लॉक कर दीजिए उसका नंबर सर। नहीं, इतना नंबर है कितना ब्लॉक करो? अगर मैं फोन को फैक्ट्री रिसेट कर दूं फिर भी उनके पास रहेगा क्या डाटा? हाँ, वो लोग पहले ही कॉपी कर लिया है ना पैसा देते टाइम। वो देखिए, ये भैया पैसा आपके फिर अकाउंट में दिया, समझिए कि भाई डेटा आपका लिया, समझ गए ना। वो चीज़ किया इसके मतलब यही है कि आप
पैसा क्यों दे रहा है? वो इसी के लिए ना कि आपको धमकाए, ताकि आदमी को मेंटल पर प्रेशर पड़े कि भाई हाँ पैसा तो दिया है, इसका फर्ज बनता है। चाहे दो लोगों के पास जाकर बोलिएगा कि भाई ये कहाँ गया पैसा, तो बोलेगा, उसको नहीं पता होगा फ्रॉड है क्या है, वो बोलेगा कि चुका दो पैसा। आपको भी लगेगा भाई लोन पहले तो है, पैसा भी पे लीगल कर दिया एक्शन, भैया जेल हो यार जाएगा। उसका, डबल डबल हाँ पैसा भी पे कर दिया उसका, फिर भी वो दिखा ही रहा है। और मैं जैसे ही बोलता हूँ कि कहीं पे बताओ ऑफिस कहाँ पे, ये कहाँ पे, कोई नहीं बोलता। बहुत गाली दिया भी मैंने, बहुत गाली दिया उसको। तो ठीक है, मैं अपना पैन आईडी और वो पैन कार्ड का नंबर और रजिस्टर जो नंबर, रजिस्टर्ड हाँ नंबर है हाँ वो ठीक है, भेज दीजिए। भेजता ओके ओके, हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया और कंप्लीट। आप लोग देखा कीजिए, फ्रॉड एप्लीकेशन से बचिए। फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको बिल्कुल भी रिपेमेंट नहीं करना है। जितना भी लोग वीडियो ये देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट कीजिएगा, तो आपको ब्लैकमेल एंड हरासमेंट यहाँ पर करेगा, आपको टॉर्चर यहाँ पर मिलेगा। तो इसीलिए कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन है, आपको रिपेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ गए मेरी बात? रिपेमेंट करने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा आपको हरासमेंट करेगा, आपको बता देना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं मैसेज, कंप्लीट देखा कीजिए वीडियो, समझ गया ना? वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा बिल्कुल। आधा अधूरा मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। चलिए कॉल लगाते हैं भाई। हेलो, हाँ भाई बोलिए, बताइए हाँ भैया, वो पास हो गया था एम पॉकेट से। नहीं, क्या बोल रहा है। वो बोल रहा था ना कि जैसे कि कुछ पेमेंट मैंने ले लिया था गलती से, तो वो बोले कि अगर आप, क्या बोलते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास, आप इंस्टॉलमेंट में पे कीजिएगा तो आपको जो ऑप्शन जो दिखा रहा है दोनों, तो वो आपको जैसे कि एक बार में पेमेंट कीजिएगा तो आपको ये 1,090 रुपया देना पड़ेगा, और इंस्टॉलमेंट में पे कीजिएगा तो 1,112 रुपया देना पड़ेगा। तो आप जो आपको मतलब इच्छा अनुसार लगे तो आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर दूंगा मैं पेमेंट। तो एमबोकर तो ठीक है, उसका कोई दिक्कत हाँ, नहीं ये था, एनबीएफसी वो एप्लीकेशन है, एमबोकर उस तो ठीक जैसा है। सिरी एप्लीकेशन जैसा थोड़ा फ्रॉड एप्लीकेशन है। हाँ, वो उसका सही काम कह हो रहे गया हैं। ना, उसका तो सॉल्व हो गया ना सब चीज़। हाँ, उसका तो करता भैया, मैंने तो नंबर नंबर भी हटा दिया, तो उसका तो कोई सीन नहीं। अब कोई और ये दिक्कत नहीं क्या ना बोलते आता हैं, है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आता है। ये क्या बोलते हैं, ये मेरा जो ऐसी है, मैंने कल सिविल चेक कराया तो मेरे दो एक्टिव लोन बता रहा था एम पॉकेट का ही। तो मतलब और कोई मतलब वो तो फ्रॉड हुआ था जो मेरे साथ, वैसा कोई सीन नहीं हुआ है मेरे साथ, तो वो दो ही एक्टिव बता रहा है। तो मेरा थोड़ा राहत मिला कि चलो ठीक है, दो ही बता रहे हैं, सही है। हाँ, तो इसी के लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था कल, तो मैंने उनको क्या बोलते हैं मेल डाला, तो उन्होंने आज फोन किया कि देखिए ऐसा बात है। तो मैंने बोला ठीक है, तो उन लोगों ने भी अच्छे से समझाया कि ऐसे से आपको पे करना तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वही 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 फोन करने के लिए आपको कल से मैं बोल रहा था, लेकिन आप उठा नहीं रहे। ये धानी वाली का तो क्या बंद हो गया ना, धानी एप्लीकेशन, हाँ, धानी एप्लीकेशन तो बंद हो गया है। वही तो गायब हो गया उसका, तो कोई मतलब वो तो फ्रॉड हो गया था, तो पैसे तो आएंगे नहीं मेरे वापस कभी भी, वो पैसा वापस आएगा नहीं, है ना? एक बार पैसा ले लिया तो वापस आएगा नहीं कभी भी। नहीं आएगा वो। अरे वो डरा रहा था ना कि ईएमआई कटेगा, तो इसी कारण मैंने दे दिया था डर के मारे। आप समझ रहे हैं ना, डर के मारे दे दिया था कि भाई ईएमआई कटेगा, पेमेंट कोई मतलब कि कुछ मतलब कि एक्टिव लोन मेरा, तो मैंने सिविल भी चेक कराया तो दो ही एक्टिव लोन बता रहा है एम पॉकेट का, जो यही जो जो आपको मैंने भेजा स्क्रीनशॉट उसी का, बस और कुछ नहीं बता रहा है। तो वो थोड़ा सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है उसका। वही वही इसी के लिए कोई ईएमआई वीएमआई काटने का कोई इति नहीं ना भैया, तो फ्रॉड था ना, वो तो लूट रहा था मेरे को हाँ, वो तो उसके लूट नाम रहा है। से, हाँ, सही बात है। तो लूट रहा था। मैंने तो एप्लीकेशन पे लॉगिन भी नहीं किया, धनी का कोई भी एप्लीकेशन पे अभी तक मैंने लॉगिन नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने, तो ऐसा कोई सीन होगा नहीं क्या? बिल्कुल। अरे वो भैया वो बता दे, वो क्या बोलते हैं, वो पेमेंट जो कटता है उसका मेरे
मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेजा था कि देखिए आपका कट गया उतना, तो मैं कंफ्यूज था। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा तो पता चला कि वैसा मतलब मैसेज वैसा मतलब कि आता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोलते हैं वो एप्लीकेशन एक आता है उस पर आप डालिएगा अमाउंट उमाउंट, ऐसा ही मैसेज आता है। हाँ हाँ सही बात है। वही वही मैं बोलूँ ना भैया कि जब मैं कॉल किया पहला दिन उसने कॉल किया तो दूसरा आवाज में मतलब लोग बात कर रहे थे, फिर अगले दिन कॉल किया तो भाई दूसरे, तो बोलता है कि सिस्टम पे अलग अलग लोग बैठते हैं ना, कोई मतलब वही नंबर पे फोन आएगा वही पे सिस्टम पे अलग अलग बैठेगा लोग, ऐसा थोड़ी होता है। सही बात है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना होगा भैया? ना ना कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल मैं तो जितना देता उतना वो लेता। हाँ। 3800 देता भी है, उसके बाद फिर वो बोलता 2200 करो, बिल्कुल बिल्कुल 2500 बिल्कुल करते हुए कितना लूट लेता मेरे को बहुत ज्यादा। हाँ इसी कारण भैया आपका वीडियो भी अभी कम ही आ रहा है, मैंने देखा है आप बिजी लग रहे छठ पर्व के कारण। बिल्कुल आपने कॉल किया भैया सामने से, बहुत बहुत धन्यवाद, रिस्पेक्ट किए मेरा। नहीं हाँ मैं बोले कि कल कॉल करेंगे, समझ गए मैसेज हम किए थे। कंफ्यूज था हमको इसी कारण हम बात भी किया, आप तो बोले कि कल कॉल, तब मैंने सोचा कि थोड़ा ईमेल डाल देता हूँ ऑफिशियली उनको, क्या वो लोग बोलते हैं, तो सामने से कॉल आया तो उन लोगों ने समझाया कि अगर आप एक बार पेमेंट कीजिएगा तो थक जाएगा कोई आपका क्लोज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला बोला कि ठीक है थैंक यू तो बोला कि ठीक है आप कर दीजिएगा। ऐप वगैरह तो सही है लेकिन और कोई ऐप सही नहीं है, ये मैंने देखा। एक तो मतलब इंक्वायरी के लिए मैंने नावी में लॉग इन किया था ना आज से एक महीना पहले, तो मेरा सिविल घटा दिया वो, पता नहीं वो सिविल कैसे घटा दिया मेरा वो। कौन सा? नावी, नावी कुछ ऐप होता है ना, नावी NBFC एप्लीकेशन है वो भी। अच्छा तो उसका कोई मतलब कि लोन वोन तो मैंने उसे लिया ही नहीं है, तो उसका मतलब कि मेरा वो बता रहा था अजीब टाइप का बता रहा था वो, जब बताया इंक्वायरी में वो शायद मेरा ऐसी ऐसी भाषा हटा दिया है अभी। अच्छा अच्छा मैंने किया था ना लगा उन्होंने सिविल हटा दिया मेरा उसके। इंक्वायरी में कैसे सिविल घटा सकता है पता नहीं, वो वही नीचे लिख के आ रहा था उसका स्क्रीनशॉट नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन वैसा वो लिख के आ रहा था तो मैं बोला ये क्या है मतलब कुछ भी होगा कुछ मतलब ऐसा कोई नहीं है, कोई एक्टिव तो दो ही बता रहा था अभी तो फिलहाल, जो एक्टिव बताएगा उसी के थ्रू मतलब कि घटेगा, ऐसे तो अनदर कोई घटेगा नहीं, समझ गए। अच्छा एक्टिव तो कोई चालू है नहीं, सब क्लोज है, पॉकेट का ही है तो सब क्लोज कर दिया मैंने। पॉकेट का तो वो चालू था तो मैंने आज पेमेंट करूंगा तो हो जाएगा वो भी क्लोज। हाँ हाँ पेमेंट कर दीजिएगा तो क्लोज हो जाएगा। आज के बाद तो कोई लोन वोन तो लेना नहीं है, ऑनलाइन तो लेना ही नहीं है कहीं से भी। बिल्कुल अभी भी ऑनलाइन लेना है। हाँ उसमें बहुत फ्रॉड गिरी हो रहा है बहुत ज़्यादा, अभी भी एप्लीकेशन है LT मनी हो गया, INR कैश यही सब चल रहा है आईफोन में। अच्छा ये मतलब कि आईफोन कैसे मतलब ये लोगों को ऐसे कर देता है? आपसे बोले नहीं थे, आपसे बोले नहीं थे उस टाइम कि एक जाएगा या दूसरा आएगा? सीरी एप्लीकेशन गया दूसरा आ गया। सीरी एप्लीकेशन तो बंद हो गया उसका। हाँ LT मनी आप सर्च कीजिएगा तो ये फ्रॉड एप्लीकेशन अभी चल रहा है सीरी एप्लीकेशन जैसा। वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। हाँ वो भी ऐसा ही करता है, एक जाएगा दूसरा आएगा, सब सबका वही हाल है ना, सब एक ही है, समझ गए। ये लोग मतलब कि डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद उनका डाटा वाटा सब चला जाता है फिर। हाँ हाँ उसके बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करेगा सब। वही तो। ऐसा भी कोई मतलब कि क्या बोलते हैं वो थाने से कोई नोटिस वोटिस नहीं आया? ना ना कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ना ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। वही तो अभी मैंने लोन लिया ही नहीं, उससे लोन ही नहीं लिया मैंने ना, मेरे बैंक अकाउंट में विड्रॉ हुआ है वो लोन, वही तो ऐसा तो होगा ही नहीं क्या भैया? बिल्कुल सही बात है। इसी कारण थोड़ा शंका था, थोड़ा पूछ लिया आपसे कॉल कर। ना ना कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। मतलब फ्रॉड कर दिया मेरे पैसे लेके
भाग गया सारा, फोन भी नहीं उठा, मतलब कि क्या बोलते हैं उस टाइम ही फोन करा था तो